प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तेजी से यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही। अगर आज हम दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ऐसा ही इन दिनों में हो रहा है कि मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की वृद्धि हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो जीवित है और वो उद्धार करता है और वो फिर से आने वाला है और वो सत्य है, मार्ग है और वो जीवन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, ये बिहार की एक घटना है जहाँ पर पूरा का पूरा एक गांव हिंदू से मसीही में परिवर्तन हो गया। जिस धर्म से मसीहत में या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गया पूरा का पूरा एक गांव। और इसको मीडिया ने बताया है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आप YouTube में जाकर देख सकते हैं। आपको इस न्यूज़ के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से वो पूरा का पूरा गांव एक मसीही बन गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बन गया। वीडियो के अंत तक बने रहे। ये जो घटना है वो बिहार की गया जिले की है। गया में धर्म परिवर्तन की अनोखी कहानी। बेटे की तबीयत खराब हुई तो एक ईसाई ने प्रार्थना कर ठीक करने का दावा किया। मतलब ये मीडिया छाप रहा है लेकिन हकीकत ये है कि परिवार के बेटे की तबीयत खराब हो गई तो एक पास्टर ने प्रार्थना किया और उसकी जो तबीयत था वो सही हो गया और उसको देखकर पूरी बस्ती ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। गया शहर के नगर प्रखंड स्थित नेली पंचायत के वादीह गांव में महादलितों की एक बस्ती है। इस बस्ती में करीब 50 परिवार है। पहले सब कुछ ठीक से चल रहा था, अचानक लोगों ने ईसाइयों द्वारा आयोजित प्रार्थना में जाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे पूरी बस्ती में धर्म परिवर्तन कर लिया। इस बदलाव से जिले का विश्व हिंदू परिषद बौखला गया, क्रोधित हो गया। हालांकि संबंधित मामले में अब तक किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं की गई है। बताया गया कि दलित बस्ती की महिला केवला देवी के बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। वह डॉक्टर से इलाज करा करा कर थक गई थी। फिर उसने किसी ने बताया कि बेदगया में पास्टर है, वहाँ पर पास्टर प्रार्थना करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पर पास्टर के पास जाइए। इसके बाद वो पास्टर से जुड़ गई और कई लोग उनके गांव में पहुँचे। केवला देवी का कहना है कि घर पर ही प्रार्थना करवाया और उनका जो बेटा था जिसकी तबीयत खराब हो गई थी वो धीरे धीरे ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। इसे देख धीरे धीरे महादलित परिवार में ईसाई धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। लोग अपनी परेशानी को लेकर वहां जाने लगे। रविवार को एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। रविवार के दिन एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था। इसी प्रार्थना में महादलित महिला पुरुष शामिल हो गए और हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया। वह इस संबंध में अवसरों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ माझी ने बताया कि हम लोग बहुत परेशान थे, कभी कभी बेटा तो कभी कभी बेटे की तबीयत खराब हो जाती थी, मगर इस धर्म में आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। धर्म में आने के बाद सब कुछ ठीक नहीं हो गया, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो आपका जीवन बदल गया, सब कुछ, आपकी परिस्थिति बदल गई। ऐसे भी महादलित होने के कारण हिंदू मंदिरों में जाने पर रोक थी, लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते थे और अब भी नहीं करते। मतलब महादलित है, दलित लोग हैं तो उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी और आज भी ये अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद को इसके बारे में पता चला तो वहाँ पर अभियान करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पूरा का पूरा एक गाँव प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये तो बहुत ही बड़ा एक चमत्कार है। ऐसे ही प्रभु का राज्य बढ़ने पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।